हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोमी वाइटी। तो भाई यहाँ अभी जो मैं आप लोग को जो ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ कि RC20 में जो आप ऑल टूर्नामेंट कैसे अनलॉक कर सकते हैं और भी बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए जो कहते हैं आपको वीडियो को पूरी देखनी है और इस वीडियो को जो कहते हैं 500 लाइक कर दिएगा ताकि जो कहते हैं मेरे को मोटिवेशन मिले। और जब वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करके बताइएगा, चैनल बनाए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। वो पहले से अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि जैसे कोई नई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई वीडियो में शुरू होने से पहले जो मैं आपको बता दूँ, वीडियो को आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी आपने देखनी है। मैं इसमें पूरी तफसील से बताऊँगा कि आपने जो कहते हैं फ्री में टूर्नामेंट कैसे लेना है। तो वीडियो को स्किप ज़रा भी नहीं करिएगा। वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर जो आप जो कहते हैं वीडियो फिर जो आप जो अनलॉक नहीं कर पाएंगे, सही है। तो अभी जो आप जो स्क्रीन पे जो जर्सी देख रहे हैं, सही है। तो अगर जो आप ये जो जर्सी जो अपने रियल क्रिकेट 20 में लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जो इस पर भी वीडियो बना दूँगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई, आप वो भी जाके देख मैं दोबारा आपको जब वीडियो बना दूंगा। तो जो इस पर जो आप देख लें जर्सी पर जो कहते हैं वर्ल्ड कप का लोगो वगैरह भी बना हुआ है, तो पाकिस्तान की जर्सी ये देख लें, श्रीलंका की जर्सी देख लें, इसमें वर्ल्ड कप का लोगो वगैरह बना हुआ है। तो जो कहते हैं अगर आपको ये जर्सी चाहिए तो जो कहते हैं आप जो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो वीडियो को इस वाली वीडियो तो भाई आपने जो कहते हैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो कहते हैं वीडियो पे जो 500 लाइक एम रखा हुआ है तो जो 500 लाइक करवा दो, बस वीडियो को स्किप नहीं करनी। इसमें जो मैं आपको जो बताऊंगा कि आपने जो कहते हैं ओल्ड टूर्नामेंट आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कुछ जो टूर्नामेंट्स इसमें जो पेड हैं जो उसको आप जो कहते हैं फ्री में नहीं कर सकते, वो उसके लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उनके अलावा जो बाकी है जो वो कैसे अनलॉक करें तो कहते हैं इसमें मैं आपको जो पूरी तफसील से जो वीडियो में पूरा मैं सही से समझा दूंगा कि हमने जो कहते हैं जो अनपेड हैं जो बिल्कुल पेड नहीं है, जिन पे पैसे नहीं दिए जाएंगे, उनको आपने कैसे जो खोलना है उसके लिए जो कहते हैं आपको वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो पूरी देखते नहीं है, फिर जो कहते हैं नीचे कॉमेंट में करते हैं भाई आपकी ट्रिक नहीं काम कर रही। अभी मैंने जो रिसेंटली वीडियो डाली है रियल क्रिकेट 22 की, उस पर भी जब काफ़ी लोग के कमेंट ऐसे आए हैं कि भाई ये ट्रिक काम नहीं कर रही, पैच काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो आप लोग जो बहुत सारे फिर कमेंट्स वगैरह करते हो कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, वीडियो आप लोग पूरी देखने को तैयार नहीं हो तो फिर ये कैसे वर्क करेगी। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो आपको जो कहते हैं एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ वो आपको एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी। एक एप्लीकेशन आपको चाहिए इसके लिए, वो है फाइल कमांडर, सही है। तो वो आपको जो कहते हैं इजीली जो प्ले स्टोर से मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने जब अपने प्ले स्टोर में आ जाना है, यहाँ पे जो सर्च कर लेना है फाइल कमांडर के नाम से, सही है। फाइल कमांडर के नाम से जो यदि एप्लीकेशन आएगी, मैं बस मेरे को अपडेट बोल रहा है तो मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, सही है। तो आपने जो यदि जो फाइल को जो याले फाइल कमांडर को आपने जो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करने के बाद जो आपने जो कहते हैं सिंपल जो अपने गेम में आना है, सही है। तो ये यहाँ से एग्जिट करते हैं तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉड्स वगैरह में मैंने जो खोले हुए कुछ, ये देखें रोड टू वर्ल्ड कप वगैरह, ये देखें ये मैंने सारे ये देखें मैंने खोले में ये सारे जो, सही है। तो ये आपने कैसे खोलने, इसी तरह जो कहते हैं ये टिकट्स हैं लोग होगा, सही है। तो जो टिकट वगैरह कैसे लेने हैं तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टिकट वगैरह कैसे लेंगे। ये देखें इंटरनेशनल में ये सारे आपने जो कैसे अनलॉक करने हैं तो ये सब मैं आपको बता लूँगा, सही है। तो इसमें ये देखें ये जैसे ये जो ये आपको बाय करना पड़ेगा, सही है, मास्टर कप या जो कहते हैं, मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ। ये देखें प्रोफाइल में आप चले जाएं तो यहाँ पर जो कहते हैं आपको जो सारे मिल जाएंगे, सही है। अनलॉक कैसे करें तो ये सारे जो आपको मिल जाएंगे, ये मैंने कुछ अनलॉक किए हैं, सही है। तो ये एसोसिएट है, फिर ये एशिया कप वगैरह है, सही है, फिर मास्टर कप वगैरह,
सही है। तो ये सारे जो कहते हैं, जितने भी जो कहते हैं मास्टर कप वगैरह है, ये डोमेस्टिक में जितने भी सारे हैं, पाकिस्तान लीग है, बांग्लादेश लीग है, टी टेन प्रीमियर लीग है, ये वेस्ट इंडीज़ प्रीमियर लीग है, इंग्लिश लीग है, RCPL वगैरह। सही है, इसी तरह जो कहते हैं मॉड्स में ये सब कुछ है। टूर्नामेंट इंटरनेशनल में जो कहते हैं मास्टर कप है, वर्ल्ड कप है, अंडर 19 वर्ल्ड कप है, 3 सीरीज़ है, एशिया कप है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड क्लासिक वर्ल्ड कप है। सही है, इसी तरह जो चैम्पियन कप वगैरह तो आपको अलग ही मिलेगा। आपको जो कैसे खोलना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो कहते हैं, जब आप जो कहते हैं अपना गेम खोलेंगे, तो आपने जो सबसे पहले टूर्नामेंट्स में क्लिक कर लेना है। टूर्नामेंट्स में क्लिक करने का जो इंटरनेशनल में आ जाना है, इंटरनेशनल में एसोसिएट पे आ जाना है। सही है, एसोसिएट में आने के बाद जो आप यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ शुरू से, यहाँ पे न्यू कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पर जो आपने हार्ड कोर कर लेना है, 50 ओवर कर लेना है। सही है, आपने टीम कोई सी भी सिलेक्ट कर लेनी है, मसला नहीं है। याद रहे कि जो डिफ़िकल्टी जो आपने हार्ड कोर रखनी है, और जो ओवर 50 ओवर रखना है। नेक्स्ट करना है, प्ले पे आपने क्लिक कर देना है। सही है, तो ये आप जो भी रखना चाहें कोई मसला नहीं है, इसको जो आगे कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ आगे करना है। सही है, जितने भी लेग स्पिनर है सारे जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, स्पिनर जितने भी हो वो यहाँ पे आपने डाल देना है। सही है, तो ये इस तरह जितने भी स्पिनर है, तो ये तरह ये वाला है। तो जितने भी स्पिनर हैं सारे आपने जो कहते हैं इसमें डाल देना है, एक और ये भी डाल देते हैं। चले सही है, इस तरह फिर नेक्स्ट कर देना है आपने। अब नेक्स्ट करने के बाद जो फिर नेक्स्ट करना है, सही है, यहाँ पर जो आप अगर टॉस जीते तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बैटिंग लेनी है। सही है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन टॉस जीतता है। तो सही है, यहाँ पर जो हमने बैटिंग ले लेनी है, बैटिंग लेनी है। सही है, जल्दी से ये नेक्स्ट वाला करते हैं। तो भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो जल्दी जल्दी जो आपने आगे कर लेना है। सही है, यहाँ पर जो बैट्समैन सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें, इसको जो याद उधर कर लें, याद कर लें। सही है, एडवांस शॉट मारना है इतनी देर में, वो जो स्टंप आपको कर देगा। सही, वाइट बॉल दे दी इसने, लेकिन आउट भी दे दिया। सही है, इसी तरह जो आपने जो कहते हैं हमने ऑल आउट करा लेना है। मैं एक और इस तरह करा के दिखा देता हूँ। तो भाई रियल क्रिकेट 22 में भी यही इत्तेफाकन यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। तो ये बॉल तो खेल ली इसने, खैर मैं आपको बता दिखा देता हूँ। इसी तरह इसको यहाँ पे बिल्कुल आगे कर दें पहले। तो ये देखें यहाँ पर जो ये फिर वाइट देगा, रन उनको मिलेगा, लेकिन जो आउट हो जाएगा। तो इस तरह आपने जो अपने सारे आउट करा लेना है, मैं 9 आउट करा के फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। उससे पहले जो कहते हैं वीडियो पर जो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को नए तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो 8 आउट करा दिए हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 आउट रह गए, ये भी मैं आपको करा दिखा देता हूँ करा के। तो जो आपने जो कहते हैं अपने जो कहते हैं कम से कम रन पे जो है ऑल आउट कराने हैं, कोशिश करनी है कि आपने बैटिंग नहीं करनी, बैटिंग लेनी है लेकिन आपने खेलना नहीं है। यानी कि जो आप जो खेलना शुरू हो जाएं तो आपने खेलना नहीं है। इस तरह जो अपने सारे जो है 0 रन पे कोशिश करें, 0 रन पे आउट करवाएं। 1-2 रन बन जाएँ वो नो बॉल वाइड बॉल के तो वो मसला नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो है आप 0 रन पे जो ऑल आउट करा दें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो कहते हैं 2 रन पर अपने ऑल आउट करा दिए। सही है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद जो फिर नेक्स्ट करना है। सही है, यहाँ पर जब बांग्लादेश को जो 3 रन का टारगेट है जीतने के लिए। सही है,
आपने यहाँ पर जो कोई सा भी बॉलर सेलेक्ट कर लेना है से। ओके 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 करना है, मतलब नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपने बॉल नहीं करानी, ये पॉज का बटन ऊपर नज़र आ रहा है आपको राइट हैंड पे टॉप पे, इस पर आपने क्लिक करना है। सही है, एग्ज़िट करना है, यस करना है। फिर यहाँ से जो एग्ज़िट करके जो है सही है, आपने जो यहाँ जाना है भले ये जो कुछ भी हो तो ये सही है, पॉइंट्स वगैरह जो मिलते हैं ये हो गया। इसके बाद जो आपने जो कहते हैं बैकअप जाना है अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर भी फाइल कमांडर डाउनलोड करके रखा होगा आपने उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपने जो कहते हैं फाइल कमांडर में आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। नीचे जो सेकंड नंबर पे एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ऊपर डाटा पे लिखा आएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद जो फाइल्स वगैरह आपकी जो भी होंगी वो लोड होंगी, थोड़ा टाइम लेगा, या जो अगर आपका मोबाइल फास्ट हो तो जो जल्दी भी हो जाएगा। तो अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम लिया। अब यहाँ पर आप देखें com.netless.realcricket3d सही है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने फाइल्स पे क्लिक कर लेना है, फाइल्स पे क्लिक करने के बाद जो 3D प्रीफेस वाला जो है ना, इस पर आपने जो कहते हैं लॉन्ग प्रेस करके रखना है। सही है, ऊपर जो कहते हैं 3 डॉट आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो ज़िप लिखा होगा इस पर आपने क्लिक करके जो ओके कर देना है, ये ज़िप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने जो कहते हैं वापसी जो अपने जो गेम में आना है, गेम मैंने कहा वापसी एसोसिएट वाले उस पर जाना है, रिज्यूम पे जाना है, प्ले पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे प्ले पे क्लिक करने के बाद जो आपने जैसे इसको नेक्स्ट वगैरह करना है, तो यहाँ पर जो पहले जो मैं यहाँ पे मैनुअल करके पीछे वाला बंदा जो हटा देता हूँ ताकि जो मेरे को जो आसानी हो। यार ये बहुत गलत हो गई, इनको जिताना था, क्या खैर है एक रन इन्होंने ऐसे ही ले लिया। तो यहाँ पर अभी जो आप जो देखते रहे तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको बॉल को, सही है, यहाँ पे मैं करा देता हूँ। तो जो यहाँ पे जो ये लोग जीत जाएंगे, बांग्लादेश यहाँ पे विन हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर जो बांग्लादेश विन हो गया, आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो सही है, अब ये जो भले आप जो हाईलाइट तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें आपको जो 949 XP मिल ली है और जो 979 जो कॉइन मिल रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर जो आप जो कहते हैं इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं या डबल भी कर सकते हैं, तो मैं डबल पे जाऊँगा, तो आपने डबल पे क्लिक कर देना है, फिर यस पे करना है। तो आप लोग ये देखें यहाँ पर जो मेरे को जो यहाँ पर 979 XP मिल रही थी, वहाँ पर जो 1898 XP मिली और 1998 पॉइंट मिले, सही है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक नहीं करना, नीचे जो क्रॉस का बटन लिखा हुआ है ना उनका बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करके जो यस कर देना है। ये करने के बाद जो आपको पॉइंट वगैरह XP वगैरह मिल जाएगी, सही है। फिर ये जो इस पर भी आपने जो पे आ जाना है, फिर वापसी जो है आपने जो कहते हैं यहाँ पर जो उसी फाइल कमांडर में आ जाना है। यहाँ पर जो आपने जो उसको ज़िप किया था तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप जो टाइम देख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर जो मैंने जो ये की थी मैं वहाँ से 19 सितंबर ये वाली है, तो ये वाली फाइल है, तो इस पर जो है क्लिक करके जो आपने देख लेनी, आपके पास एक ही बनी होगी, यहाँ पर मेरे पास 2 बनी हुई है क्योंकि जो मैंने जो काफ़ी बार किया था। तो
तो ये देखें अभी सितंबर है, 19 सितंबर है, तो मेरे पास यही वाली है, सही है, 3:12 पर मैंने किया था, तो यही वाली फ़ाइल है, सही है। आपके पास टाइम भी आ जाएगा, आप टाइम देख लीजिएगा, लेकिन जो आपने जो कि आपके पास एक ही फ़ाइल होगी, आपने उसी पे करना है, सही है। तो यहाँ पर जो ऐसी 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट 2 पर क्लिक करके नीचे जो यहाँ पर जो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर ऑल फोल्डर्स पर अपने यहाँ पर करके मर्ज पर क्लिक करके जो करना है, ओवरराइड पे आपने क्लिक कर देना है, सही। ये करने के बाद जो आपने जो वापसी जो है अपने गेम में आ जाना है, गेम में आने के बाद वापसी जो कहते हैं टूर्नामेंट इंटरनेशनल में जाके एसोसिएट पे आपने क्लिक करके यहाँ पर न्यू पे क्लिक नहीं करना, रिज्यूम लिखा हुआ है रिज्यूम पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर प्ले आएगा, प्ले के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें वही वहाँ से मेरा गेम शुरू हो गया, सही है, उसी तरह बिल्कुल हुआ है। तो इस तरह जो कहते हैं आप जो इस तरह जो अपने जो सारे जो टूर्नामेंट्स वगैरह जो अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो मैं इसको यहाँ से जो हटा दूँ यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पर जो इनको जिताते हैं पहले, ओह माय गुडनेस, दैट इज अ तो यहाँ पर जो बांग्लादेश जीत गया, सही है, फिर इसको नेक्स्ट वगैरह करना है। तो यहाँ पर फिर से जो डबल हाईलाइट्स डबल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर से हमें डबल करते हैं, क्लिक करके जो बैक आ जाना है, फिर आपने उसी तरह जो कहते हैं उसको जो एक्सट्रैक्ट वगैरह करना है, फिर इसी तरह आपने करना है। ये देखें लेवल अप हो गया, सही है। यहाँ पर रिवार्ड्स पर चले जाते हैं, तो ये देखें एशेज 2020 जो मेरा अनलॉक हो गया। इसी तरह जो आपने जो सारे जो कहते हैं अनलॉक कर लेना, अब 9 लेवल पर जो मेरा एशिया कप और ये कहते हैं एसएस फिंगर जो है ये खुल जाएगा। इसी तरह आपने जो सब कुछ जो अनलॉक कर लेना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।